ये देखो अबे यार, यहाँ तो ट्रैफिक रूल कोई नहीं, क्या यहाँ पे हो रहा नहीं पता, बट कुछ तो ऐसा हो रहा है। यहाँ पे ब्राउन वाटर है, यहाँ पे ब्लू वाटर है, यहाँ पे हुआ है लैंडस्लाइड। ये पत्थर ऊपर से आए हुए हैं, जन्मों के इंतजार के बाद रोड खोल दी गई, और ये मुझे लग रहा है काफी ओल्ड है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम मनाली, वेलकम बैक इन अ फ्रेश एपिसोड एंड द लास्ट एपिसोड ऑफ अवर ले लद्दाख सीरीज। फाइनली आज हम लोग घर जा रहे हैं, घर जाने की खुशी है, बट इस एडवेंचर को मिस बहुत करूंगा, और स्पेशली मिस करूंगा लास्ट एपिसोड। आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो देख लीजिए, लास्ट एपिसोड में जो हुआ वो एक्सट्रीम था। एक्चुअली इससे पहले जब पेंगोंग वाली राइड हुई थी, पेंगोंग वाला डे था, उस दिन मुझे लगा कि ये एक्सट्रीम है, बट जो कल हुआ वो अपने आप में बहुत ही हाई था। ले से मनाली करना अपने आप में काफी डिफिकल्ट होता, नॉर्मली लोग नहीं करते, लोग करते हैं ले से सरचू या जिस्पा और उसके बाद नेक्स्ट डे मनाली आते, बट हमने एक दिन में किया और उस दिन हमें सब कुछ मिला। लैंडस्लाइड भी मिली, ऑफ रोडिंग भी मिली, मड भी मिला, सैंड भी मिला, और टोटल 4 पासेस कल हमने कवर की। आज का डे शुरू करते, आज भी एक्सट्रीम होने वाला है। आज एक्चुअली इस तरह की वेदर कंडीशन और रोड कंडीशन तो नहीं मिलेंगी, आज हमको मिलेंगे ग्रीन पहाड़ जो पिछले 8-9 दिन से हमें नहीं दिख रहे थे। आज का डे बहुत लॉन्ग होने वाला है, इस पर गूगल में 12-13 घंटे दिखा रहा है यहाँ से नोएडा की डिस्टेंस। बाइक पे हमने सारा सामान लोड कर दिया, चेन लूप चेन क्लीन कर दिया, और कैब भाई भी आ गए हैं। हमने ब्रेकफास्ट यहीं पे कर लिया। आज का दिन जो है बहुत लेंदी होने वाला है, लेंदी के साथ साथ हम लोग लगातार 10 दिन से राइड कर रहे हैं, इस वजह से और ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। अब यहाँ से निकलते, टाइम हो रहा है 10:47, और ये होटल है, होटल यूनिक, इसमें हम लोग रुके थे। आज मैंने ग्लव्स नहीं पहने, एक्चुअली यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा है, और अब हम निकल रहे हैं मनाली से। डिस्टेंस हमें सिर्फ 650-700 किलोमीटर ही आज कवर करना है, बट वो 650-700 में अप्रॉक्स 250 किलोमीटर हिल्स पे है। बट आज एक अच्छी चीज ये कि हमको मिलने वाले ग्रीन माउंटेन्स। कल का डे बहुत ज्यादा एडवेंचरस था, जिस पास जैसे जैसे आगे बढ़े वैसे वैसे ग्रीन माउंटेन स्टार्ट हो गए थे, बट नाइट का टाइम था, सोलांग वैली बहुत खूबसूरत है, वो नहीं दिखा पाया नाइट में आपको, वो अपने आप में एक टूरिस्ट स्पॉट है। हमारे पास तो इस बार टाइम नहीं था, 10 दिन की आइटनरी थी, कल मुझे ऑफिस ज्वाइन करना है, आज ये एडवेंचर नहीं चाहिए, आज काफी लॉन्ग डिस्टेंस कवर करनी है। मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी पहुंचे, रात का 10-11 तो ऐसे ही बच जाएगा, वो तो डैम श्योर है। आज डे 2 जैसी फीलिंग आ रही है, जब हम पठानकोट से श्रीनगर जा रहे थे तब इस तरह का कुछ एटमॉस्फेयर हमें मिल रहा था, बट ब्यूटी डिफरेंट है, प्लेस डिफरेंट है, और साथ में हमारे चल रही है रिवर, ये हमको हर जगह मिला। अगर आप पूरी लद्दाख सीरीज देखेंगे कई जगह हुआ, कभी श्योक रिवर हमारे साथ चल रही थी, कभी जंस्कार रिवर चल रही थी, इसी तरह सिंधु चल रही थी। कल तो 2 रिवर सिंधु थी शाम के टाइम पे जब हम वगैरह में थे, और उसके पहले जो है जंस्कार रिवर थी जब हम सरचू से आगे बढ़ रहे थे। अच्छा, लेकिन मेरे में एवरेस्ट तो ऐसे शो नहीं करता है, आपसे फ्यूल एक बार मेरे में कमी कंज्यूम हुआ था कल, जो टोटल हमने फ्यूल फिल कराया था उसके बाद आपके में जितना, जैसे मान लो 2 बार बचे थे तो मेरे में 3 थे, जब हो सकता मेरे में थोड़ा एवरेज और अच्छा आया हो। 37-38 बहुत अच्छा है यार, मंडी चंडीगढ़ दिल्ली ये रोड भी अच्छा चल रहा है, कल भी अच्छा मिला था यार अपने को तो, और कुल्लू के बाद खराब है, हो सकता सही हो गई हो। अच्छा, आप तो अभी गए थे 2 महीने पहले ना, यहाँ पे यार राफ्टिंग के सारे पॉइंट्स बने हुए हैं मनाली से निकलते ही। वेदर भी अच्छा है यार, बढ़िया सनलाइट निकली है, अच्छा किया हम लोग ने सारे थर्मल वगैरह सब निकाल दिए यार, बहुत खूबसूरत है मनाली। स्नोफॉल जब होता होगा तब तो ये एकदम खतरनाक व्यू देता होगा, ये माउंटेन बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, इसके ऊपर यहाँ पर क्लाउड्स आ गए हैं, और माउंटेन ऊपर है क्लाउड्स नीचे, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है। और यहाँ पे किनारे किनारे आपको सारे राफ्टिंग के पॉइंट्स मिल जाएंगे, इसके लेफ्ट साइड में है ब्यास रिवर, तो यहाँ बाइक का तो लगेगा नहीं है ना, बस 2 ही जगह लगता है, यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा एक्सप्रेसवे। हाँ ये बात तो सही कही, सबसे ज्यादा टोल वहाँ आप ही ने दिया होगा। कार का भी बहुत अच्छा खासा ले लेते हैं, आप ये मान लो दिल्ली से कानपुर जाने का जितने का टोल लगता है उतने में शताब्दी टिकट हो जाती है यार। लो जी हम आ गए हैं कुल्लू में, कुल्लू और मनाली के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं लगा, बस थोड़े से शॉर्ट टाइम में ही हम लोग इधर आ गए। अभी जो रिवर हमारे लेफ्ट में चल रही थी अब वो रिवर हमारे राइट में है, और कुल्लू भी अपने आप में काफी बड़ा है और बहुत फेमस भी है, कुल्लू भी हिल स्टेशन में काफी फेमस है, और ऊपर चल रहा रोड कंस्ट्रक्शन का काम, ऐसी जगह पे ना ब्रेक बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए, नहीं तो खेल खत्म पैसा अजम। यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, खासकर मुझे ब्रिज बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट है, नॉर्मली आयरन ब्रिज और उस तरह के ब्रिज मैंने सिंपल वाले देखे, बट इसका थोड़ा सा डिजाइन अच्छा था। यहाँ से मंडी बचा हुआ 62 किलोमीटर, अभी हम लोग हैं भुंतर में, ऐसे मत करो भाई, यहाँ पे गुरु नानक देव जी का बहुत फेमस गुरुद्वारा है,
क्या बात, बाहर बहुत अच्छी लगती है देखने में। ये देखिए यहाँ पे बनी बनाई रोड है और कुछ तो भी लैंडस्लाइड या कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से ये पूरा रोड ब्लॉक हो रखा है। पीछे वो सामने खड़े कैब भाई, लगता है सबको रोका गया है, क्या इशू है। यहाँ पे देखो ये सामने रोड बन रही है और ऊपर से बहुत सारा मलबा आया है, गिरा है, क्या है नहीं पता। ये भी हो सकता है कि यहाँ रोड बनाने की वजह से ऊपर से इसको शेप दे के नीचे ला रहे हो। जन्मों के इंतजार के बाद रोड खोल दी गई और हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से चढ़ के इस तरह के इंक्लाइन स्लोप पे चढ़ के वो गाड़ी गई हुई है। गाड़ी क्या जेसीबी है, इधर भी पानी उधर भी पानी, बट उधर बहुत खूबसूरत पानी और इधर बहुत डरावना पानी जिससे कभी भी बाइक स्किड हो सकती, कुछ भी हो सकता है। इस पानी को देखना नहीं चाहते, उस पानी को खूब देखना चाहते हैं। यहाँ पे रुके थे पानी पीने के लिए बट पानी था नहीं कैब भाई के पास, तो 2 मिनट के लिए रुक गए थोड़ा व्यू देखने के लिए। बहुत तेजी के साथ पानी बह रहा, बहुत अच्छा व्यू लग रहा है और जैसे जैसे नीचे जाते जा रहे गर्मी बढ़ती जा रही है। अरे पहाड़ों को काट काट के रोड बनाई जा रही है। ओह बड़ा सा गड्ढा था, ठीक ठाक स्लिपरी रोड है, कंस्ट्रक्शन के चक्कर में ये सारा काटा जा रहा है। ऐसी जगह सबसे अच्छा है क्लच छोड़ दो, ब्रेक छोड़ दो और स्लोली गाड़ी मूव होने दो। और ये एक अंदर से टनल स्टार्ट हो गई है, थोड़ा सा आगे ही आए थे उस एरिया से हम लोग, वहां पर ये टनल स्टार्ट हो गई है। बट ये टनल अटल टनल और जो अदर टनल हमने देखी थी उनके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा हम लोग अटल टनल से निकले थे, उसके अंदर का व्यू, वेंटिलेशन, लाइटिंग सब चीज बहुत ज्यादा अच्छी थी, बहुत एडवांस थी। पर ये मुझे लग रहा है काफी ओल्ड है, इसमें अंदर क्या है ऐसा लग रहा है पहाड़ को कट करके बस बना दिया गया। और मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई टनल बन रही है, तो इसकी वजह से क्या है यहाँ पे रोड कंडीशन बहुत खराब हो रखी है। यहाँ से देखिए यहाँ पे मिल रहे हैं दोनों रिवर, ये देखिए यहाँ से, यहाँ पे ब्राउन वाटर है, यहाँ पे ब्लू वाटर है और ये आगे जा रही है और दोनों ही ब्यास रिवर है और आगे जाके ये एक डैम बना हुआ है। ये भी हो सकता है कहीं से मिट्टी का पानी आ रहा हो या कुछ भी हो सकता है। पर अब रोड थोड़ी सी ठीक मिल गई है, थोड़ा सा स्पीड अप कर लेते हैं। ये छोटा सा एक डैम बना रखा है, हम हो रहे हैं लेट क्योंकि इन माउंटेन से उतरते उतरते हमते को बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। खराब रोड में कुछ कमी रह गई थी जिसकी वजह से अभी ट्रैफिक भी मिल गया है। मतलब आज पूरी कोशिश जारी है हमें लेट कराने की, वैसे ये एस्टिमेटेड टाइम 10-11 घंटे दिखा रहा है, एक्चुअली गूगल तो दिखा रहा है टोटल 13.5 घंटे, देखते हैं क्या टाइम लगेगा। बहुत ज्यादा लंबा जाम है, ये देखिए यहाँ पे हुआ है लैंडस्लाइड, ये पत्थर ऊपर से आए हुए हैं इतने गंदे ट्रैफिक से निकलने के बाद। कैब भाई यहाँ रुके थे, नाम क्या है जगह का, वृंदावन। हाँ। मंडी यहाँ से 3 किलोमीटर, अब जा रहे हैं मंडी की तरफ, मंडी होते हुए निकलेंगे मंडी फिर चंडीगढ़। और अभी मैंने चेक किया था यहाँ से नोएडा दिखा रहा है 10 आवर्स की डिस्टेंस पे, ले से मनाली और मनाली से चंडीगढ़। यार ले से मनाली का लेवल अलग था, ये तो इरिटेटिंग ट्रैफिक था, वो एडवेंचरस था, वो जो धूल वाला था ना वो मेरा फेवरेट पार्ट था। कैब भाई देखो मैंने एक दो जगह पीछे देखा था, क्या था, 2 टनल बन रही थी 2 पहाड़ों में और उसके बीच में ब्रिज बन रहा था, यानी कि फ्यूचर में क्या होगा उन टनल से निकलने के बाद ब्रिज के थ्रू दूसरी टनल में घुस जाएगा लोग। तो यार ये इंडिया है, ये तो आप भी जानते हो, चाइना थोड़ी है कि सुबह शुरू किया शाम को ब्रिज तैयार। बच्चे काम को होते हुए देखेंगे, ये नहीं कि बच्चे यूज करेंगे, उनके बच्चे यूज करेंगे। लेकिन यार एक चीज है कैब भाई, हमारे बच्चों के यूज करने के लिए हमें अभी इतना कष्ट क्यों दिया जा रहा है। ले मनाली हाईवे को ना आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, वो नेक्स्ट लेवल एडवेंचर है भाई। हिमाचल में यही कुछ जगह है, ये देखो, अबे यार यहाँ तो ट्रैफिक रूल कोई नहीं फॉलो करता है। शाम यार इतनी जल्दी नहीं हो सकती, आगे जाके हो सकता है धूप हो जाए, मौसम अच्छा है। लेकिन चंडीगढ़ 140 है अप्रोक्स यहाँ से, हम लोग तो अब चाय पियेंगे चंडीगढ़ में, आखिरी चाय तो फिर आगे पियेंगे ना 50 किलोमीटर और चल के। हम लोग रुके हैं यहाँ पर, बिलासपुर से थोड़ा आगे आए, 2-3 किलोमीटर होगा मैक्सिमम, चाय पीते फिर निकलते हैं क्योंकि टाइम हो रहा है 4। फिलहाल हम रुके हुए हैं बिलासपुर में, यहाँ से अभी चंडीगढ़ बचा हुआ है अप्रॉक्स 120 किलोमीटर, अप्रॉक्स 3 से 3.5 घंटे लग जाएंगे। कंटिन्यू चला रहे थे, ट्रैफिक जाम बहुत मिला, सब मिलने की वजह से थोड़ा सा टायर्ड हो गए थे, तब सोचा कि पहले एक चाय पीते, चाय पीने के बाद फिर आगे निकलते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे धीरे धीरे अभी माउंटेन्स खत्म होते जा रहे हैं। A few moments later. चले धीरे धीरे, और अभी गर्मी बहुत तेज लग रही थी इसलिए मैंने जैकेट ओपन कर ली है। अप्रॉक्स 40 किलोमीटर बचा हुआ है यहाँ से माउंटेन्स, राइट साइड में बहुत अच्छा व्यू है, कैमरे से नहीं आएगा, एक्चुअली रिवर है और काफी बड़े एरिया में यहाँ पर वो बना हुआ है, तो इसकी वजह से व्यू बहुत अच्छे आ रहे हैं। चंडीगढ़ तक पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी, अभी बैंडेड लगाना भूल गया, एक्चुअली क्या ग्लव्स नहीं पहन रखा है तो उसकी वजह से ये जो थ्रोटल वाला
वाला पार्ट है, ये यहाँ पर ये अंगूठा यहाँ पर टच हो रहा है इस जगह पे, इसकी वजह से क्या थोड़ा सा दर्द सा हो रहा है यहाँ पे। आगे कहीं पे रोकूंगा तो बैंडेड लगा लूंगा। और यहाँ पर ये बस वाले बहुत तेज चलाते हैं, बहुत फास्ट। अच्छा कैब भाई, एक चीज नोटिस करी आपने, लद्दाख के स्काई में और यहाँ के स्काई में बहुत डिफरेंस है। देखो ऊपर लद्दाख के स्काई मतलब पिक्चर क्लिक करो, किसी एडिटिंग की जरूरत ही नहीं। यहाँ तो ना क्लाउड समझ में आ रहा ना कुछ, वहाँ पर क्लाउड्स मतलब ऐसा लग रहा था एक छोटा सा भी अगर व्हाइट है तो वो दिख रहा था ब्लू स्काई में। और जैसे जैसे अपन नीचे पहुंचेंगे वहाँ तो खेल ही खत्म हो जाएगा। क्लाउड नहीं धुआं होता है। अभी मैं आप लोगों से बोल रहा था यहाँ बहुत गर्मी हो रही है, मैंने जैकेट ओपन कर दी है। मैंने पहले भी कहा है कि पहाड़ों के मौसम का कोई भरोसा नहीं। यहाँ पे देखो सिनेरियो अलग ही चल रहा है। एंड लुक, ये सारा क्लाउड है। नीचे जो वैली है वहाँ से ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये सारा ऐसा लगेगा कि हम लोग इस समय क्लाउड में चल रहे हैं। यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा एकदम फॉग जैसा हो रखा है चारों तरफ। मजेदार व्यू है सन का, एकदम रेड रेड लग रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल। ये रोड बहुत अच्छी मिल गई हम लोगों को, स्ट्रेट स्ट्रेच था अभी मैंने बोला, रोड बहुत क्लासी है, ये है वो है। तो ये भी देख लो, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ जर्नी, गुड एंड बैड। चंडीगढ़ है यहाँ से 71 किलोमीटर, क्या बात है। ब्लू स्काई तो बहुत देखे थे, ब्लैक स्काई अब देख रहा हूँ। क्या यहाँ पे हो रहा नहीं पता, बट कुछ तो ऐसा हो रहा है। ओ, आग लगा रखी, टायर वायर कुछ तो जला रहे हैं जिसकी वजह से पूरा स्काई ब्लैक हो रखा है। चंडीगढ़ यहाँ से बचा हुआ है 43 किलोमीटर, टाइम हो रहा है 6:30। 30 मिनट्स में अपन पहुंच जाएंगे क्योंकि रोड बहुत अच्छी है। लो जी पहुंच गए अपन चंडीगढ़, और मेरी बाइक में अभी फ्यूल भी 2 बार ही बचे तो कहीं पे फ्यूल डलाना पड़ेगा। मेरी टैंक फुल कर दो। गलती से ना एक टर्न भूल गया था, उसकी वजह से थोड़ा सा अंदर आ गया सिटी के। गूगल मैप लगा लिया, कैब भाई से बात हुई है, उनको मैंने बोला है कि आप चलते रहो अम्बाला में मिलना। चंडीगढ़ के अंदर फंसने का ये लॉस हो गया है कि जहाँ भी पहुँच रहे ट्रैफिक सिग्नल मिल रहे हैं। गूगल कंटिन्यू रेड दिखा रहा है। चंडीगढ़ के खतरनाक ट्रैफिक से निकलने के बाद फाइनली आ गया हूँ अम्बाला। अब मैं मन्नत में, टाइम हो रहा है अप्रॉक्स 12, काफ़ी टाइम लग गया यहाँ तक आने में। तो हम लोगों ने डिनर मंगवा लिया है और डिनर फिनिश करते फिर यहाँ से निकलते हैं। अप्रॉक्स 2 बज जाएगा पहुँचते। टाइम हो रहा है 12:27 और मन्नत से डिनर करके निकल रहे हैं हम लोग। कैब भाई जा रहे हैं सीधे कानपुर, मैं जा रहा हूँ नोएडा। हम लोग सचपास राइड से आए थे तब भी यहीं पे रुके थे, और उसके बाद इस बार भी, और जब गए थे तब भी मन्नत में ही खाया था, लेकिन वो दूसरी साइड है मन्नत आगे। गूगल मैप 2 रास्ते दिखा रहा था, एक दिल्ली होते हुए दूसरा दिखा रहा था ईस्टर्न पेरिफेरल। हमने लगा दिया अपना दिल्ली वाला क्योंकि नाइट का टाइम है, होपफुली ट्रैफिक नहीं मिलेगा। कैब भाई जा रहे हैं डायरेक्ट कानपुर, मैं जा रहा हूँ नोएडा। पर अब तक की जर्नी बहुत अच्छी रही, आज का दिन तो काफी हेक्टिक रहा, खासकर चंडीगढ़ में तो बहुत टाइम लग गया। 1:12 हो गया। चलो कैब भाई जल्दी मिलेंगे, आप पहुँच के फोन करिएगा और आप भी पहुँच के एक बार। चलो आराम से जाना भाई। ओके भाई आप भी, बाय बाय, गुड नाइट। फाइनली मैं पहुँच गया हूँ नोएडा। टाइम हो रहा है 2:31 और ये जो पोल पे ट्राइकलर लाइट लगी है ये नोएडा की पहचान है। नोएडा में मोस्टली जगह पे जितने भी फ्लाईओवर और अंडरपासेस वगैरह है जहाँ पे भी लाइट पोल लगी है वहाँ पर इसी तरह की ट्राइकलर की लाइट लगी है। फाइनली अपनी लेह लद्दाख राइड कंप्लीट होती है। काफी मेहनत लगी इस सीरीज को कंप्लीट करने में। आई होप आपको ये वीडियो, ये सीरीज सब कुछ पसंद आया होगा, और अगर पूरी सीरीज नहीं देखी तो एक बार जरूर देखें। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि आज बहुत थक गए हैं और आ गए अपने घर। टाइम हो रहा है 2:42। आई होप आपको मेहनत पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।